अरविंद केजरीवाल जी को आज भी ईडी की अदालत से कोई राहत नहीं मिली। जब उनकी ईडी की कस्टडी खत्म हुई तो उनको 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब तो बार बार ये चीज सामने आई, जो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ, कोई सबूत नहीं है, इतने पुख्ता सबूत हैं। ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद भी आपको कोई छोड़ नहीं रहा, आपको 14 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने मोबाइल के पासवर्ड तक नहीं आपने दिए अब तक। अगर आपका छुपाने को कुछ नहीं था तो आपको देने चाहिए थे, और आप ईडी को नहीं देने चाहते थे, कोर्ट में खोल के सबके सामने दिखा देते। जिस जज के सामने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं बोला, उसी जज साहब के सामने पासवर्ड दे देते कि देखिए ये पासवर्ड, देखिए मैं सारा फोन खोल के दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। पर आपके पास छुपाने को बहुत कुछ है। करोड़ों रुपया जो आपने इकट्ठा किया है शराब घोटाले में, उसके सारे सबूत फोनों में है जो आप फोन नहीं देना चाहते, लेकिन यह हिसाब होगा, आप बच नहीं पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को आज भी ईडी की अदालत से कोई राहत नहीं मिली। जब उनकी ईडी की कस्टडी खत्म हुई तो उनको 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब तो बार बार यह चीज सामने आई, जो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ, कोई सबूत नहीं है, इतने पुख्ता सबूत हैं। ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद भी आपको कोई छोड़ नहीं रहा, आपको 14 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने मोबाइल के पासवर्ड तक नहीं आपने दिए अब तक। अगर आपका छुपाने को कुछ नहीं था तो आपको देने चाहिए थे, और आप ईडी को नहीं देने चाहते थे, कोर्ट में खोल के सबके सामने दिखा देते। जिस जज के सामने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं बोला, उसी जज साहब के सामने पासवर्ड दे देते कि देखिए ये पासवर्ड, देखिए मैं सारा फोन खोल के दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। पर आपके पास छुपाने को बहुत कुछ है। करोड़ों रुपया जो आपने इकट्ठा किया है शराब घोटाले में, उसके सारे सबूत फोनों में है जो आप फोन नहीं देना चाहते, लेकिन यह हिसाब होगा, आप बच नहीं पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को आज भी ईडी की अदालत से कोई राहत नहीं मिली। जब उनकी ईडी की कस्टडी खत्म हुई तो उनको 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब तो बार बार ये चीज सामने आई, जो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ, कोई सबूत नहीं है, इतने पुख्ता सबूत हैं। ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद भी आपको कोई छोड़ नहीं रहा, आपको 14 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने मोबाइल के पासवर्ड तक नहीं आपने दिए अब तक। अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं था तो आपको देने चाहिए थे, और आप ईडी को नहीं देने चाहते थे, कोर्ट में खोल के सबके सामने दिखा देते। जिस जज के सामने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं बोला, उसी जज साहब के सामने पासवर्ड दे देते कि देखिए ये पासवर्ड, देखिए मैं सारा फोन खोल के दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। पर आपके पास छुपाने को बहुत कुछ है। करोड़ों रुपया जो आपने इकट्ठा किया है शराब घोटाले में, उसके सारे सबूत फोनों में है जो आप फोन नहीं देना चाहते, लेकिन यह हिसाब होगा, आप बच नहीं पाएंगे।